मूवी बहुत शानदार थी, मजा आया देखने में। मजा आया, कॉमेडी अच्छी थी फिल्म की। कॉमेडी इसमें बहुत अच्छी है और बाकी मूवीज के कंपैरिजन ही बता रहा हूँ कि उसमें कॉमेडी और इमोशनल ज्यादा है। फर्स्ट हाफ में आपको कॉमेडी बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी आपको, लाइक थ्री इडियट हिरानी जी की मूवी है। और सेकंड हाफ में इमोशनल है और देश के प्रति मूवी लास्ट में दिखाई है, बहुत बढ़िया चीज है। कहानी अच्छी थी फिल्म की, कहानियां बढ़िया थी, मजा आया देखने में। तापसी पन्नू भी है, उनका काम कैसा था? तापसी पन्नू मुझे लग नहीं रहा था अच्छा काम करेंगे, एक छोटा सा रोल था उनका तो बढ़िया काम किया उनने। पहली बार शाहरुख खान के साथ में आ रही है तो बढ़िया रोल अच्छा किया उन्होंने। विक्की कौशल भी थे फिल्म में, उनका भी रोल है अच्छा बढ़िया है, छोटा सा रोल है पर अच्छा एक्टिंग करी है उनकी मूवी। अब देख तो रहे हैं कितना अच्छा रोल करते हैं, एक्टिंग बढ़िया है उनका, सारा अच्छा काम किया उन्होंने। शाहरुख खान जमे अपने किरदार में, शाहरुख खान बिल्कुल जमे, ये कोई नया चीज लेकर आए शाहरुख खान। इमोशनल मूवी इतनी इनकी जाती नहीं है, बाकी एक्शन वगैरह रहता है इसमें मूवीज में, अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, साल 2023 में ये तीसरी फिल्म हमें शाहरुख खान की देखने को मिली है, तो क्या लगता है अभी दो हिट गई है ये भी हिट जाएगी? जवान इन लोग से अलग है, उसमें एक्शन ज्यादा है सारी चीजों में, देश के प्रति ये भी देश के प्रति इसमें कुछ चीजें हैं, पर ये एक्शन से अलग है इन सब चीजों में, दोनों फिल्मों से अलग है ये फिल्म। जी इमोशनल एक्शन है और बढ़िया है इन सब चीजों पे, ऑडियंस को पसंद आएगी फिल्म, बिल्कुल पसंद आएगी। शाहरुख खान के साथ में तापसी पन्नू पहली बार आ रही है तो इंसान दर्शक जितने भी उनके फैंस है तब देखना उनको जरूरी पसंद करेंगे। अच्छा, राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट्स वगैरह यदि कंपेयर किया जाए तो फिल्म अच्छी है, कॉमेडी वगैरह? अब वो मूवीज देखिए ना, वो मूवीज कितनी सुपर डुपर हिट गई सब चीजों पर, आप ये मूवी देखेंगे तब जाके आपको कहानी समझ में आएगी। ऐसे मैं आपको बताऊंगा तो मजा भी नहीं आएगा, आपका मजा खराब होगा, देखने जाए। आप 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से 4।